नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑल राउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम सिक्स्थ वाले बच्चों के लिए मानसिक योग्यता के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, उनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। इसी के तहत कुछ क्वेश्चन फोल्डिंग वाले होते हैं। फोल्डिंग का मतलब इस प्रकार का एक पेज होता है जो कि स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, उसको फोल्ड किया जाता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में हमें मिलता है उस प्रकार से उसको फोल्ड किया जाता है एंड देन उसमें कुछ उसको काट दिया जाता है, कहीं कहीं से उसके अंदर होल कर दिए जाते हैं एंड देन वो कहता है कि जब हम इसको वापस खोलते हैं, यानी कि तीन स्टेप करने के बाद, उसको काटने के बाद जब हम उसको वापस खोलते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, वो हमें चूज करना होता है चार ऑप्शंस में से। लेकिन बच्चों से गलतियां होती हैं। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बच्चे सही कर देते हैं, लेकिन फोल्डिंग वाले 5 क्वेश्चन बच्चों से मोस्टली गलत हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन करने का मतलब यहां पर कोई मैथ की कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहां पर कैलकुलेशन करनी होती है अपने माइंड में स्टेप्स की, कि भाई पहले स्टेप में ऐसे फोल्ड किया, देन हमें उसको याद करके रखना पड़ता है कि हाँ मैंने पहले स्टेप में क्या किया था, देन सेकंड स्टेप में क्या किया एंड उसके बाद मैंने फाइनल स्टेप में क्या किया था एंड देन तीन स्टेप और बन जाते हैं। यानी कि जो तीन स्टेप में हमने उस पेज को फोल्ड किया था, उन तीन स्टेप्स को हमें वापस खोलना भी है। तो खोलने के बाद फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जब हम पहुंचते हैं, तो तीन स्टेप से जब हम फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं, तो हमारे पास 5 स्टेप हमारे पास मिल जाते हैं। अब उन 5 स्टेप्स को हमें याद करके कैसे उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करें। अब प्रैक्टिकली सॉल्व करने का मतलब एक ऐसा स्क्वायर वाला पेज लें, जिस प्रकार से वो उसमें प्रश्न में पूछ रहा है उस प्रकार से उसको फोल्ड करो एंड फाइनली उसको कट कर दो, और कट करने के बाद जब हम फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं तो हमारे सामने इमेज ऑटोमेटिकली बनकर आ जाती है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ना तो आपको कोई ऐसा पेज मिलता है और ना ही आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप उसको फोल्ड करो, काटो वगैरह, इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा। अब आपको मेंटली, यानी कि अपने माइंड में इन सारे स्टेप्स को कैसे याद करके या फिर किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 5 क्वेश्चन भले ही हैं, भले ही आप ये सोच रहे हो कि हमें 5 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नवोदय विद्यालय की मेरिट 4 या 5 नंबरों पर ही डिपेंड करती है। सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं, इन 5-6 क्वेश्चंस पर ही मेरिट आपकी डिपेंड करती है। आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जो है, वो हमने 2 टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहां पर जाकर आप हमारी वेबसाइट से उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी से बाहर हो, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वक्त बचा है सिर्फ 25 दिन। 25 दिन में आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो वो डिपेंड आप पर करता है। चलिए, 2017 का एक नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था, उसमें 41st क्वेश्चन से 45th क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है जो फोल्डिंग वाले हैं। मैं आज आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कितना वक्त लग सकता है, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, तो 41st क्वेश्चन के बारे में बात कर देते हैं। 41st क्वेश्चन में देखिए, फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में आपको 3 प्रॉब्लम फिगर मिलती है। ये जो है ये प्रॉब्लम फिगर है, इसको प्रॉब्लम फिगर कहा जाता है। ये 3 मिलती है आपको, मैं फोल्डिंग की बात कर रहा हूं इसलिए मैं 3 प्रॉब्लम फिगर्स के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए 3 प्रॉब्लम फिगर आपको मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो सबसे पहला जो फिगर होता है, इसको कहा जाता है स्टेप 1। क्या कहा जाता है? स्टेप 1। इसको कहा जाता है स्टेप 2 एंड इट इज नोन एज स्टेप 3। ओके, अब इन 3 स्टेप्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करने का मतलब, जैसे कि देखिए 41st क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से एक लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर एक इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है,
कुछ इस प्रकार से। अब सबसे पहले तो हमारे पास नॉलेज ये होना चाहिए कि ये जो डॉट वाली लाइन है और ये इस प्रकार से जो ये बीच में चिन्ह बने होते हैं, इनका मतलब क्या है। अगर मतलब ही मालूम ना होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा और शायद नामुमकिन भी। ठीक है, तो इस डॉट का मतलब होता है कि यहां से इसको काटा। देखिए, इस डॉट के दो मतलब हो सकते हैं। डॉट का मतलब यहां से इसको काटा भी जा मतलब हो सकते हैं। डॉट का मतलब यहां से इसको काटा भी जा सकता है और यहां से इसको फोल्ड भी किया जा सकता है। लेकिन आपके सिक्स्थ वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें लगभग लगभग आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उन क्वेश्चंस के मुताबिक इस डॉट का मतलब है इसको फोल्ड करना। तो आप सिर्फ एक चीज को याद करके रखना कि ये डॉट जो लाइन है इसका मतलब है फोल्ड करना। फोल्ड करने का मतलब, और ये जो है साइन, ये तो आपको जानते हो, ये हमारे को इंडिकेट करते हैं कि किस ओर फोल्ड करना है, किस ओर काटना है, किस ओर मोड़ना है, जो भी है। ये तो सिर्फ हमें इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहां से फोल्ड किया गया है, लेकिन इस ओर फोल्ड किया गया है या ऊपर से इस ओर। ठीक है, तो ये तो था स्टेप नंबर वन। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये पेज है, इसको मैंने यहां से लिया और इस ओर फोल्ड कर दिया। देखिएगा, यहां से लिया और इस ओर फोल्ड कर दिया। ये मेरा स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर का यूज कर रहा हूं। लेकिन इसको आपको मेंटली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने लिया। देन सेकेंड स्टेप में ये क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप में ये कह रहा है कि इसको, वो कह रहा है कुछ इस प्रकार से लाइन बनाकर यहां से ये फोल्ड कर रहा है। ये देखिए, अब देखिए यहां पर इसने जो है सेकंड में डॉट कर दिया है। अब डॉट का मतलब है कि यहां से ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है, यहां से ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है। अब यहां पर कुछ भी शेष बचा नहीं है, क्योंकि पहले पेज पूरा था, अब ये यहां से फोल्ड हो चुका है। तो यहां पर अब क्या है, खाली बचा हुआ, ये पूरा खाली है, अब कुछ नहीं है, तो ये खाली है। लेकिन यहां से अब ये फोल्ड कर रहा है। ये देखिए, यहां से अब ये ऐसे ले जाकर ऐसे फोल्ड कर रहा है। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको फोल्ड कर रहा है, यानी कि करीब करीब ये इसको घेर लेगा। ये रहा, ये फोल्ड कर दिया इस प्रकार से। अब देखिए, थर्ड स्टेप में हम जैसे ही पहुंचते हैं, तो थर्ड स्टेप में ये क्या करता है कि जो इमेज फोल्ड हुई थी, जो इमेज फोल्ड हुई थी, उसमें ये दो छेद कर देता है इस प्रकार से, पास पास में बस। और थर्ड वाले में क्या होता है कि ये ऑलरेडी बता रहा है कि यहां से फोल्ड हो चुका है। ओके, एंड देन मैंने आपको क्या बताया कि इसने थर्ड वाले में क्या किया है कि दो होल किए हैं। तो मैं यहां पर भी ये जो है दो होल कर देता हूं, एक ये रहा एंड सेकेंड इज दिस, दो होल कर दिए इसने। ओके, दो हॉल हो चुके हैं। लेकिन हॉल कैसे होते हैं, हॉल को आर पार किया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दो हॉल हुए हैं, यानी कि इसको काटा गया है, इसको आर पार काट दिया गया है। अब आर पार काटने का मतलब, यहां से ये गया है, इसको आर पार काटा गया है। देखिए, मैं काट के आपको थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी वाले क्वेश्चन तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगे। ओके, ये देखिए, मैं इसको काट के दिखाता हूं आपको। ये फर्स्ट स्टेप, ये देखिए फाइनल स्टेप, इसने क्या किया, पूरा काटा है, इसको आर पार काटा है। तो ये देखिए, मैं इसको काट के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। चलिए, ये यहां से एक कट गया, ये एक यहां से कट गया। ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मैं ऑटोमेटिकली ऐसे आपको खुद को आने लग जाएंगे, आप खुद सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि मैं आर पार करना है, तो यहां से मैं फिर काटता हूं। एंड ये कट गया, इसी को भी
आराम से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए ये काट दिया मैंने, जितना कुछ था ये सब का सब काट दिया मैंने। ये तो मैं सिर्फ आपको अभी प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए अब जिस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा था कि सबसे पहले तो क्या करना है हमें, यहां पर सबसे पहले तो ऐसे फोल्ड करो, ठीक है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो, एंड ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से काट दो। तो ये हमने काट दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको वापस खोलते हो, सब कुछ जितना इसको हमने फोल्ड किया था, जहां जहां से फोल्ड किया था सब फोल्डिंग इसकी हटा दो, हमने हटा दी। देन ये पूछ रहा है कि इमेज कौन सी बनेगी, तो देखिए सबसे पहले हमने यहां से फोल्ड ये खोल दिया, देन यहां से खोला, सामने क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहां पर 6 बार कट के सामने आ रहा है, 6 बार कट के सामने आ रहा है। अब लेकिन देखिए 1 2 3 एंड देन 4 5 6, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है, इस तीसरे ऑप्शन में ही इसके जैसा बन रहा है, क्योंकि यहां पर 4 और 4 यहां पर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 भी दे दिया उसने, क्योंकि यहां पर 4 नहीं होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो आपके आंसर हैं, उस आंसर के लगभग आसपास है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आपको मेंटली कैसे करना है, क्योंकि आप वहां पर ऐसे काटना वाटना तो कुछ नहीं कर सकते हो। चलिए तो अब ये मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखिएगा, आपको फाइनल स्टेप से वापस स्टार्टिंग करनी है। कहां से करनी है, फाइनल स्टेप से। देखिए ये फाइनल स्टेप है, ये एक थर्ड स्टेप है, तो हमें थर्ड स्टेप से वापस स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप, यानी कि हमारे आंसर का फर्स्ट स्टेप, आंसर का फर्स्ट स्टेप हमें यहां से शुरू करना है, इसको वापस खोलना है, यानी कि लास्ट टाइम, यानी कि थर्ड से पहले जो था सेकंड वाला, इसमें हमने कैसे फोल्ड किया था, यानी कि लास्ट में हमने कैसे फोल्ड किया था, सिर्फ उस फोल्ड को खोल दो। तो लास्ट में हमने ऐसे फोल्ड किया था, तो हम इसको खोल देते हैं। चलिए अब क्योंकि लास्ट में हमने ऐसे फोल्ड किया था, तो हमने इसको खोल दिया, यानी कि जो ये यहां से हमने फोल्ड किया था, ये इसको हमने खोल दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको खोलते हैं, तो आप सबसे पहले तो इसको वॉच कीजिए कि ये जो है, ये जो इमेज है, ये इमेज यहां पर भी बनी हुई है, ठीक है, और यहां पर भी थी, यहां पर भी थी, तो यहां पर इसके नीचे भी बन चुकी है, तो ये दोनों बन गई। लेकिन जैसे ही हमने इसको खोला था, जैसे ही हमने इसको खोला था, तो उसका जो सेव था वो यहां पर था, वो यहां पर था, तो ये जो इमेज है ये इस पर भी बन चुकी है, क्योंकि जब हम खोल रहे हैं तो उस पर भी सेव था, तो वो उस सेव को अपने साथ लेकर जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक स्टेप है, एक सेव है, चलिए बन गया। देन अब क्या करना है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड यानी कि फर्स्ट जो था, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया है, इसको हमने खोल दिया है, इसको हमने खोल दिया है, अब देन हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है, ये करना है। क्या करना था कि हमने पेज को ऐसे फोल्ड किया था, हमें उसको भी खोल देना है, तो चलिए हम इसको वापस खोलते हैं। ये खोला, अब देखिए क्योंकि यहां से हम खोलेंगे तो ये सेप यहां पर तो पक्के होंगे ही, क्योंकि नीचे वाली लाइन में तो ये सेप रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सेप आर पार जाते हैं, तो यहां से भले आप कुछ भी यहां से हटा दो, तीनों सेप यहां पर तो रहेंगे रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये पेज यहां से उठकर जाता है उस साइड, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो है कॉर्नर, ये कॉर्नर आ जाता है यहां पर, कॉर्नर उठा और यहां आ गया। अब जैसे ही ये कॉर्नर वहां आया, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन यहां आ जाती है, ये वाली लाइन यहां आ जाती है। इसी प्रकार से इस, ये जो है लाइन,
इस लाइन के साथ जो जो शेप हैं वो शेप इस लाइन के साथ साथ आ जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर ये यहां से उठकर यहां पर आ जाता है क्योंकि हम उसको उस साइड फोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इस कॉर्नर के साथ एक तो ये वाली लाइन है एंड एक ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन जब जैसे हम कॉर्नर को उठाते हैं तो ये वाली लाइन यहां से हटकर यहां पर आ जाती है, ये वाली ये जो लाइन है ये यहां पर आ जाती है, और ये जो लाइन है ये लाइन उठकर यहां पर आ जाती है, यहां पर इस साइड। ठीक है, अब हर जो भी लाइन है वो अपने साथ जो भी शेप है वो साथ लेकर जाती है। तो ये लाइन अपने साथ इन तीनों शेप्स को साथ लेकर जाएगी, यानी कि एक दो एंड तीन। इस प्रकार से ये जो है ये कॉर्नर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर वाली जो ये लाइन है ये इन तीनों शेप को अपने साथ लेकर जाती है, और यही हमारा आंसर बन जाता है। इस बीच वाली लाइन को आप मिटा दो, देन इट्स आवर आंसर। ठीक है, इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर दे तो आप उनके पास जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए 42nd क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर इस क्वेश्चन को वॉच करना है कि ये क्वेश्चन कैसा है तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से चार ऑप्शन आपके सामने आए थे। ठीक है, चलिए फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि तीन आपको फिगर मिलेंगे, कॉर्नर नहीं तीन फिगर मिलेंगे, माफी चाहता हूं तीन फिगर मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन के स्टेप, यानी कि जो वो प्रश्न हमसे पूछ रहा है ये उसके तीन स्टेप है। हमें हमारे आंसर निकालने के लिए भी तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। चलिए, सबसे पहला जो ये फिगर बता रहा है ये कह रहा है कि इस पेज को ऊपर से हमने थोड़ा सा पार्ट लेकर इसको नीचे की ओर फोल्ड किया है। ठीक है, चलिए हमने फोल्ड कर दिया। सेकेंड में ये क्या कह रहा है कि जब हमने इसको यहां से फोल्ड किया था तो जैसे ये फोल्ड करता है तो आप खुद जानते हो यहां पर कुछ नहीं बचता है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बचता है, फोल्ड हो गया ये तो। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हमने इसको यहां से फिर से थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड किया इस साइड, यानी कि यहां पर फोल्ड होने के बाद इन्होंने फिर एक फोल्ड किया है। देन फाइनल स्टेप में ये क्या करते हैं कि दो, एक तो यहां पर इसको काट देते हैं गोल और एक यहां पर इसको गोल काट देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का शेप था क्योंकि यहां से ये कट चुका है। ठीक है, यहां से ये कट चुका है एंड देन ये पूछ रहा है हमसे कि अब जब इसको वापस खोलते हैं हम तो शेप किस प्रकार का बनता है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर आप प्रैक्टिकली पेजेस से अगर सोचते हैं तो आप फोल्ड कीजिए, वो कीजिए, घुमाइए, फाड़िए, लेकिन ये पेज आपको वहां पर मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी जाए तो इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा कि आप इसको खोलो, करो, ये करो। लेकिन मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड से आप करना, इजीली आपके सारे क्वेश्चन चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो सॉल्व होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है तो बच्चे यहां से कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार अब मैं क्या करूं। लेकिन कुछ मत सोचो, सीधा आप क्वेश्चन के फाइनल स्टेप पर पहुंच जाओ। फर्स्ट सेकंड को अभी छोड़ दो, फाइनल स्टेप पर पहुंचते ही ये देखो कि उन्होंने कहां कहां से कट किया है। ठीक है, एक कट यहां पर किया, दूसरा कट यहां पर किया। देन आप सेकेंड स्टेप पर आओ। सेकेंड स्टेप पर इसने क्या किया था कि इस साइड इसको फोल्ड किया था, तो आपको क्या करना है, इसको वापस इस साइड फोल्ड कर देना है। क्या कर देना है, जो इसने यहां से थोड़ा सा पार्ट इस साइड फोल्ड किया था उसको वापस खोल देना। ठीक है, चलिए मैं खोलता हूं आपको। यहां से देखिए, ऊपर वाला अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला जैसा था वैसा का वैसा रहने
वाला है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में हम कोई चेंज अभी ला नहीं रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में चेंज आएगा, सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड में तो क्या किया था, साइड वाला था, तो हमने साइड वाले को वापस खोल दिया, ये देखिए साइड वाले को हमने वापस खोल दिया है, ये देखिए। अब मैंने क्या कहा था कि चाहे चाहे कितना भी फोल्ड आप खोल लो, जहां पर वो कट लगे हैं वो उस जगह पर तो अपना ब्लूप्रिंट छोड़ेंगे, यानी कि वो कट वहां पर तो रहेंगे रहेंगे। अब हो सकता है कि उन कट्स की कॉपी यानी कि उनके जैसा कट कहीं और बन सकता है, लेकिन वहां पर तो रहेगा, मतलब ये कट यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा। अब क्यों है, क्योंकि हमने इसको खोल दिया है। अब जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो देखिए, जब हमने इसको फोल्ड किया था तो ये यहां से उठकर यहां पर आ चुका था, तो जैसे हम वापस खोलते हैं तो ये वाला जो है गोला, ये गोला यहां पर भी आ जाता है, तो ये गोला यहां पर भी आ गया, ठीक है, ये यहां पर भी आ गया। देन हम इससे फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, कहां जाते हैं, फर्स्ट स्टेप में ऊपर की साइड भी इसको खोल देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऊपर की साइड खोलते हैं तो देखिए ये यहां पर था, ऊपर की साइड खोला तो ये यहां पर जो दो हैं, ये जो दो गोले हैं ये यहां पर तो रहेंगे, लेकिन यहां के साथ साथ यहां पर भी ये दो गोले बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की आकृति बननी चाहिए, जो कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्टेप में उसने नीचे फोल्ड किया, देन उसने इस साइड फोल्ड किया, फिर उसने काट दिया। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप से सेकंड स्टेप पर आ जाओ, खोलो। खोलते ही क्या होता है कि यहां पर तो कुछ भी फोल्डिंग नहीं थी, तो वो यहां पर सिर्फ एक ही शेप रहा है। यहां पर चूंकि एक फोल्डिंग थी तो एक फोल्डिंग होने के कारण एक यहां पर गोला बन गया और एक गोला पास में बन गया, ठीक है। अब ऊपर लिया तो ऊपर भी वहां पर एक फोल्डिंग थी, तो जैसे उस फोल्डिंग को हमने खोला तो एक गोला ऊपर ये और एक गोला ऊपर ये, ठीक है। हर बार जैसे जैसे फोल्डिंग खुलती हैं, वैसे वैसे जो शेप होते हैं वे दुगुने होने लगते हैं, यानी कि पहले यहां पर एक था फिर दो हो गए, ऊपर और खुला तो चार हो गए, ठीक है ना। यही इसमें एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए 43rd क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, वीडियो आपका बड़ा हो चुका है। खैर 43rd क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, सबसे पहला हमें एक्स वाई एंड जेड यानी कि स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 मिल चुका है। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, कि सबसे पहले हमने इसको यहां से ऊपर की साइड थोड़ा सा फोल्ड किया है। स्टेप नंबर 2 सेकंड स्टेप, कि यहां से फोल्ड हमने कर दिया था पहले, ये यहां से फोल्ड हो चुका है, तो जहां जहां फोल्ड हो चुका है वहां वहां ये डॉट शो करने लगेगा, तो ये फोल्ड हो चुका था। अब ये कह रहा है कि यहां से फोल्ड करने के बाद, ये कहां पर बीच में फोल्ड कर रहा है, जी हाँ ये बीचों बीच फोल्ड कर रहा था, ठीक है, यहां पर ये बीच पर, ठीक है, ये लो, तो ये यहां पर इसका कहना है कि हमने यहां से ये फोल्ड कर दिया था। अब ये क्या कह रहा है कि यहां से फोल्ड करने के बाद अब ये चाह रहा है कि हम यहां पर एक और फोल्ड करें, ये इसको हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे, ये हो गया स्टेप नंबर 2। एंड जो फाइनल स्टेप है, स्टेप नंबर 3 जिसको कहा जाता है, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही स्टेप होता है, वहीं से हमें स्टार्टिंग करनी होती है, ठीक है ना, वहीं से हमें स्टार्टिंग करनी होती है। मैं कोई पेंटर तो नहीं हूं लेकिन आपको समझा सकता हूं। चलिए
हो गया स्टेप नंबर 1 2 3। देखिए मैंने क्या कहा था कि हमें फाइनल स्टेप से स्टार्टिंग करनी है, फाइनल स्टेप से हमें सेकंड स्टेप में वापस घुस जाना है। कैसे जा सकते हैं? दो शेप यहां पर बन चुके हैं, जैसे ही हम इसको खोलते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, इस साइड फोल्डिंग हुई थी, तो हम सबसे पहले उसको खोलते हैं। तो यहां से हम आए, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे, नीचे भी वैसा को वैसा रहेगा, लेकिन ये जो यहां पर ये फोल्डिंग हुई थी, ये जो कट है यहां पर, हमने इसको वापस खोल दिया है। ये जो फोल्डिंग हुई थी यहां पर, हमने इसको वापस खोल दिया है, लेकिन हमने फर्स्ट वाली फोल्डिंग को अब तक वापस नहीं खोला है, याद रखना वो हम खोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, और हमने इस फर्स्ट वाली फोल्डिंग को अभी तक नहीं खोला है, तो इसको हम वैसा का वैसा रहने देते हैं। ये देखिए, देन मैंने क्या कहा था, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, जो शेप बने हैं उस जगह से तो वो शेप हिलने वाले नहीं है, वो शेप वहां के वही रहेंगे, लेकिन उनकी कॉपी बन सकती है और वो कॉपी और जगह पर जा सकती है। मतलब ये दो शेप यहां पर है, तो यहां पर तो ये रहने ही रहने हैं, यहां से इनको कोई छेड़ नहीं सकता, ये तो रह गए, ठीक है। मैं सही से बना लेता हूं, ये रह गए शेप, इन शेप को कोई हिला नहीं सकता। अब ये शेप जो है, यहां पर ये फोल्डिंग थी, यानी कि इसके ऊपर एक फोल्डिंग थी यहां पर इस प्रकार से, तो उसको जैसे हमने खोला है, तो यहां पर जैसी फोल्डिंग आई तो अपने साथ एक शेप लेकर आई, तो ये शेप यहां से उठकर यहां पर भी इसके जस्ट सामने ये बन जाता है, यहां पर ये यहां पर, मतलब कि इसके जस्ट सामने यहां पर शेप बन जाता है ये, ओके। एंड देन क्या होता है कि ये जो फोल्डिंग है हम इसको भी खोल लेते हैं, यानी कि हम सेकंड में तो आ गए, अब यहां से हम फर्स्ट स्टेप में घुस जाते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप में घुस जाते हैं, तो यहां से आप देखिए, जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप में आते हैं, तो हमने पूरे के पूरे पेज को वापस उसके ओरिजिनल शेप में लेकर आ चुके हैं। तो देखिए यहां पर तो ये ऑलरेडी दो थे ही, और हमारे पार्ट टू में, यानी कि स्टेप नंबर 2 में हमने एक और यहां पर बना लिया था ये, एंड देन जब हम इसको ऐसे खोलते हैं, तो यहां पर भी ये देखिए यहां पर फोल्डिंग थी, तो जैसे ये फोल्डिंग आती है तो अपने साथ एक शेप लेकर आती है, तो ये एक शेप लेकर आ गई। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में ये हमारा आंसर मिल जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, फाइनल स्टेप से वापस पीछे आकर दो आपको ऐसे फिगर्स बनाने होंगे, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इसको मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप सीधा माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है यहां से खोला, एक यहां आ गया, ठीक यहां खोला, ठीक है ये बन गया। तो ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उनको पेन या पेंसिल की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो मेंटली सॉल्व कर देते हैं कि चलो ठीक हो गया, ठीक है। वैसे अगर आपसे ये ऐसे नहीं हो रहा है मेंटली, तो आप पेंसिल से कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें लगेगा 1 मिनट, ज्यादा मैक्सिमम है ये, तो आप उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए मैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, यानी कि 44th क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमने उसको इस प्रकार से फोल्ड किया, ये इस प्रकार से इस साइड, ठीक है। देन इसने क्या किया कि इसको नीचे की साइड फोल्ड किया, किस साइड फोल्ड किया, नीचे की साइड फोल्ड किया। तो ये यहां से ऐसे ये कह रहा है कि फोल्ड ऑलरेडी हो चुका था, तो ये इमेज यहां पर गलत शो कर रहा है, यहां पर इसको ऐसे शो करना चाहिए था, अब ये शो नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां से तो ये फोल्ड हो चुका है, ओके। अब यहां पर फोल्ड हो जाने के बाद ये कह रहा है नीचे की साइड और फोल्ड करो, ओके। नीचे की साइड फोल्ड करने के बाद ये हमारा हो गया क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन का स्टेप नंबर 2, एंड द फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो गया फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नीचे आ गया, क्योंकि यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फोल्ड हो चुका है ऑलरेडी,
ठीक है, जो ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है उसको हम नहीं कर सकते हैं फोल्ड, और यहां से भी ये फोल्ड हो चुका है तो ये हम यहां से भी इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये फोल्ड ऑलरेडी हो चुका है, जहां जहां पर फोल्ड हो चुका है वहां पर आएगा डॉट, ठीक है, तो ये यहां से ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है ना। अब ये इतना सा पेज पीछे बचा हुआ है, ये जो मैंने पूरी बॉर्डर बनाई, इसका मतलब होता है कि इतना पेज पीछे अब बचा हुआ है, बाकी सब फोल्ड हो चुका है। अब फाइनल स्टेप में इसने क्या किया है कि दो शेप ये बना रहा है, एक तो यहां पर एंड द सेकंड वन इज, ये थोड़ा सा स्क्वायर में है ना इसलिए दिक्कत आ रही है, चलिए एक ये रहा और दूसरा इसके पास, यानी कि दोनों के दोनों स्क्वायर में है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये एक एंड द सेकंड वन, ठीक है, इस प्रकार से दो स्क्वायर यहां पर ये बना लेता है। फिर ये कहता है कि भाई साहब अब बताइए कि जब हम इसको वापस खोलते हैं तो कैसा से बनता है, तो वो की वो ट्रिक यूज कीजिए। क्या ट्रिक थी? स्टेप नंबर टू में आइए, टू में क्या था, नीचे की ओर फोल्ड किया था तो हम वापस ऊपर की ओर कर देते हैं, तो जैसे हम ऊपर की ओर करते हैं तो शेप कुछ इस प्रकार से बन जाता है, यानी कि पेज पूरा, यानी कि हाफ पेज खुल जाता है, ये पेज का 1/4 पार्ट, सेकंड पार्ट मिल जाता है ये यहां से, ठीक है, और ये तो यहां से ऐसा कैसा रहता ही है। अब मैंने क्या कहा था कि चाहे कितनी भी फोल्डिंग खोल दो, जो शेप जहां पर है वहां पर तो वो रहता ही है, यानी कि ये दोनों स्क्वायर यहां पर तो रहेंगे ही रहेंगे, तो यहां पर ये दोनों स्क्वायर रहते ही रहते हैं, यहां से कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ये ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, मिरर के बारे में, मिरर में क्या होता है कि सेम टू सेम कॉपी बनती है लेकिन उल्टी बनती है, तो यहां पर भी वो होगा कि यहां पर देखिए जैसे ये खुलता है तो ये वाला जो शेप है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां पर बन जाता है, क्योंकि ये यहां पर था, जैसे ही खुलता है तो ये ऊपर की साइड बन जाता है यहां पर, ठीक है, और ये वाला जो है ये यहां पर बन जाता है इसके जस्ट पास में। एंड देन हम स्टेप नंबर वन में आ जाते हैं, स्टेप नंबर वन में क्या था, इस ओर फोल्ड किया था, हम उस ओर खोलकर पूरा खोल देते हैं इसको, तो चलिए हम इसको पूरा खोल देते हैं, खोल लिया, खोला तो क्या हुआ, मिरर के बारे में सोचिए, मैंने क्या बताया था उसमें क्या होता है, जैसे आप इसको खोलते हो यहां से खोलते ही ये जो था इमेज, ये देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर ये देखिएगा, ये जो इमेज है यहां पर, ये इमेज यहां पर है, जैसे ही आप इसको खोलते हो तो ये इमेज यहां पर पहुंच जाती है, और जैसे ही आप यहां देखिए ये जो ये इमेज है दो, ये यहां पर पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये यहां से यहां पहुंच जाती है, ये इमेज यहां पर पहुंच जाती है, ये इमेज यहां पर पहुंच जाती है, और ये इमेज यहां पर पहुंच जाती है, तो कुल मिलाकर इस प्रकार का शेप जो है वही हमारा आंसर होता है। तो देन आवर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब फाइनल क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, बाकी जितने कुछ और क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए ये 45th जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप सोच सकते हो कि यहां पर स्क्वायर की जगह हेक्सागोन आपको मिलता है, और हेक्सागोन में क्या क्या फंडे काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा ये इन पांच क्वेश्चन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन इजी है अगर आप उसी मेथड से चलते हो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, तो इजी है, लेकिन उस मेथड में एक चीज और जोड़नी पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या कहता है, हेक्सागोन के तौर पर ये एक प्रकार से हेक्सागोन है जिसके छह साइड है ना, तो हेक्सागोन थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कोई पेंटर तो हूं नहीं, और हां आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो हमारे और यूट्यूब चैनल हैं, एक का नाम है BSS व्लॉग्स, जहां पर हम आपको
पोकरण या फिर ऐसे कई सारे ऐसे शहर गांव या फिर ऐसे कई सारी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको कई सारी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में यहाँ पर BSS ब्लॉग्स पर बताएंगे। सेकंड हमारा चैनल है टेक BSS, इनके वीडियो के लिंक इनके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिए हैं, आप जाकर इनको सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल इंटरनेट यूट्यूब या फिर कई सारी ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल कई सारी चीज़ें होती हैं या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपके एंटरटेनमेंट और आपके नॉलेज के काम आती हैं, तो वो सब हमने यहाँ पर हम करते हैं अपलोड और यहाँ पर हम ये सब वीडियो अपलोड करते हैं। तो जाकर प्लीज़ उस यूट्यूब चैनल इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आज का, उसको कहा जाता है हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन नॉट हिस्टोग्राम, इसका नाम है हेक्सागोन। एक बच्चा कहता था कि सर ये हिस्टोग्राम है, तो ये हिस्टोग्राम नहीं है, ये हेक्सागोन है जिसकी 6 साइडें होती है और ये है इसका तीसरा स्टेप जिसको फाइनल स्टेप मैं कहता हूँ। ये हो गया फाइनल स्टेप, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप क्या कह रहा है ये कि इसको यहां से, यानी कि इसने क्या किया है, डॉट बताया है और इसको यहां से फोल्ड कर दिया है, ये फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इसको यहां से, यानी कि यहां से तो आप ऑलरेडी फोल्ड कर चुके हो, ये यहां से फोल्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जहां पर फोल्ड हो चुका है वहां पर मैं डॉट लाइन लगा लेता हूं, ठीक है, ये डॉट लाइन। अब ये यहां से ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है तो ये यहां तक तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में काम हो चुका था इतना तो। अब ये सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है कि एक तो इसको यहां से फोल्ड कर रहा है इस ओर और एक इसको यहां से फोल्ड कर रहा है इस ओर। एंड देन क्योंकि देखिए जैसे ये फोल्ड होते हैं तो फाइनल स्टेप तक आते आते क्या हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका था, ये काम तो, ये फोल्डिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी। इस फोल्डिंग के होने के बाद यहां से देखिए अब ये इसको यहां से फोल्ड कर रहा है नीचे की ओर, ये यहां से फोल्ड करने के बाद अब हमारे पास इतना शेप बच जाता है, यानी कि इतना शेप हमारे पास बच जाता है। यहां से भी फोल्ड कर दिया इस ओर और यहां से फोल्ड कर दिया, सब जगह से फोल्ड हो चुका है, ये भी फोल्ड हो चुके हैं अब, ठीक है, ये भी फोल्ड हो चुके हैं, अब पीछे कुछ नहीं बचता है, सिर्फ इतना सा एक पेज बचता है। इस पेज पर यह क्या करता है, दो जगहों से इसको काटता है, एक तो इसको यहां से काटता है ये यहां से, एंड एक ये इसको थोड़ा सा यहां से साइड से काट देता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम इसको वापस फर्स्ट स्टेप तक लेके आते हैं यानी कि खोलते हैं तो इमेज कैसे बनेगी, तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करना होता है स्टेप नंबर टू में हम आ जाते हैं। जैसे स्टेप नंबर टू में आते हैं मतलब क्या होता है, इसको भी खोल दो इसको भी खोल दो, यानी कि जो स्टेप नंबर टू में हमने काम किया था उसको वापस रिवर्स कर दो यानी कि उल्टा कर दो, जो हमने फोल्ड किया था उसको खोल दो। जैसे हम खोलते हैं तो मैंने क्या बताया था कि ये यहां से जब ये फोल्ड हुआ था तो ये वाली लाइन यहां पर आई थी, ये इस प्रकार से फोल्ड हुआ था और ये जो फोल्ड हुआ था ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड हुआ था, है ना। तो यानी कि जब ये फोल्डिंग वापस खुलती है तो ये अपने साथ शेप लेकर नहीं आएगी, क्योंकि ये शेप के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि ये इस प्रकार से बन रही है। ये देखिए जब आप ऊपर जाते हो तो ये इस साइड से जाती है और ये जो यहां पर मार्क है वो यहां पर है, ये मार्क इस साइड है लेकिन फोल्डिंग इस साइड है, तो ये अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगी, लेकिन ये वाली फोल्डिंग अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि ये जो फोल्डिंग है ये इस मार्क के ऊपर है, ठीक है ना। तो जैसे ये खुलेगी तो क्या होगा देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑलरेडी शेप है उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ये रहे। देन क्या होता है कि ऊपर की साइड ये खुलता है, तो देखिए मैं इसको ऊपर की साइड ये खोल लेता हूं, ये वाली जो फोल्डिंग थी मैंने इसको खोल दिया और ये वाली फोल्डिंग भी मैंने खोल दी, ये वाली और ये वाली खोल दी। अब जैसे ही इसको खोला तो मैंने क्या कहा कि ये शेप अपने साथ लेकर जाएगी, तो ये यहां से
यहां से अपने साथ एक सेफ लेकर जाती है, लेकिन ये वाली फोल्डिंग कुछ भी लेकर नहीं जाती है क्योंकि ये फोल्डिंग उस सेफ के ऊपर थी ही नहीं। देन हम फर्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, इसको खोलते हैं और तो क्या होता है, इसकी सेम हूबहू एक कॉपी इस साइड बन जाती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देन ये फर्स्ट स्टेप खुला, अब यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर भी कुछ नहीं होगा, यहां पर एक शेप इस और है तो वहां पर ये इस साइड बन जाएगा, यहां पर ये इस प्रकार से शेप है तो ये शेप यहां पर भी बन जाएगा, तो कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार का शेप आपके सामने बन जाता है। एंड यही हमारा आंसर होता है जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर होता है। ठीक है, तो ये पांच क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको समझाए हैं। ऐसे कई सारे फोल्डिंग के क्वेश्चन और भी आते हैं जो कि आप इस मेथड से अगर करते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, और भी मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, मैथ के क्वेश्चन वगैरह जो भी है, और ऑनलाइन टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट आप जरूर दें, एक बार दें, पांच बार दें, 15 बार दें, क्योंकि जब तक आपके 100% ना बन रहे हो तब तक आप टेस्ट दें, आपके परसेंटेज ही आपको सिलेक्शन तक ले जा सकते हैं। और हमारे जो दो YouTube चैनल हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, अगर आपको पसंद आए तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जल्द ही हम उन पर भी वीडियोज अपलोड करना शुरू कर देंगे। ऑल राउंडर BSS YouTube चैनल की ओर से मैं BS सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट और खास इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।